गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ द वेरी नेक्स्ट डे एंड डेट इज़ 23 फरवरी। एंड आज मौसम भी बहुत प्यारा सा है, धूप निकली है। और अभी फ़िलहाल मैं अभी नहीं उठा, मैं उठ गया था 6 बजे। उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठा और कल रात मैं जल्दी सो गया था क्योंकि यार बहुत तेज़ नींद आ रही थी। लेटते ही मेरी को नींद आ गई, इसलिए एडिटिंग में मैं रात में नहीं कर पाया। एंड सुबह इसलिए मैं जल्दी भी उठा और एडिटिंग करी, अपलोडिंग पे लगा रखी वीडियो। और देखो 11 बजे तक के लिए शेड्यूल करूँगा। और जस्ट अभी मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लगा हूँ फिर से। एक्सरसाइज में मैंने स्किपिंग स्टार्ट की है और स्टेयर्स वाला स्टार्ट किया है, और 2-3 कार्डियो की एक्सरसाइज भी मैंने की हैं। तो अभी धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। और होपफुली कल से मैं मॉर्निंग वॉक पर भी जाऊँगा, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक दोनों पर जाऊँगा, क्योंकि अब अपन को होना है पतला। अपन हो गया था मोटा बहुत ज़्यादा। I'm having tea with brown bread with peanut butter and dry fruits also. क्योंकि लग रही है अपन को भूख और अपन हो चुका है नहा धो के रेडी एकदम बढ़िया से अच्छे बच्चे। इतना सारा देसी घी दोस्तों, ये देखो इतना सारा देसी घी अभी अभी मैंने निकाला है। टेस्ट अ लिटिल बिट। बेस्ट टेस्ट, मतलब यार मज़ा आ गया खा के। मोस्ट टेस्टीएस्ट थिंग एवर, ज़बरदस्त है भाई, ट्राई करके देखो। ये है प्योर नेचुरल देसी घी एंड आई लव दिस घी ऑल्सो। मम्मी देख रही मेरा व्लॉग, कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। और ये देखो सहज, यहाँ पे कोई ढूंढ के बता सकता है सहज कहाँ पे है इस समय? सहज है ये देखो, भागा 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 भागा, ये रहा सहज, ये रहा देखो, काट रहा काट रहा काट रहा, छुप रहा है, छुपन छुपाई खेल रहा है मेरा सहज, छुपन छुपाई खेल रहा है। ये देखो काट रहा है, ये देखो काट रहा, काट कहाँ गया सहज, छुप गया। ये रहा सहज, ये रहा सहज, ये रहा सहज, वो देखो छुप जाओ छुप जाओ, ये रहा सहज। आज विवेक जी ना पोछा लगा रहे हैं, मम्मी आज पोछा मैं लगाता हूँ। अच्छे से लगा, ये क्या लगा रहे हो, बढ़िया बढ़िया से लगा। हाँ कपड़े बिना टच करे ना कल कल हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बस लगा अच्छे से लगा, जब लगाते हो तो अच्छे से लगाओ भाई। लग तो गया क्या बात है। चलो ओके दोस्तों, आई एम हैविंग दिस ग्रेप्स, बहुत ट्राई किया अभी मैं खा गया। अरे अरे खा रहा हूँ, बहुत मीठे हैं। मम्मी या पापा लेके आए थे, पता नहीं कहाँ से लाए थे, लेकिन बहुत टेस्टी है। भाग गया खाना लेके, रोटी लेके भाग गया। चिको 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 ये खा जा, खा ले भुक्कड़, भुक्कड़ तोता, आपने देखा इतना भुक्कड़ तोता। बाल भी यार बड़े दिक्कतें करते हैं। हाँ
अच्छे लग रहे हैं। कुछ नहीं, ऑल सेट फॉर पार्टी। तो दोस्तों एक्चुअली मेरे को जाना है कहीं, कहाँ जाना है वो मैं बताऊँगा जल्दी कहाँ जाना है, और इसीलिए मैं रेडी हो चुका हूँ। पर मम्मी ने कहा कि चाय भी बनाओ और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने चाय बनाई साथ में और दो ब्रेड भी गर्म करा उसमें भी, क्योंकि भूख लग रही ना, इसीलिए दो ब्रेड जस्ट पीनट बटर मैं खाऊंगा। और मम्मी से, मम्मी आप भी ब्रेड खाओगे क्या? मम्मी ब्रेड नहीं खाएगी, ब्रेड सिर्फ हम खाएंगे और सहज खाएंगे। दिखा दो, यहाँ मेरी चाय बन रही है और ब्रेड है, तो तो दोस्तों हम जा रहे हैं कहीं, एक्चुअली एक धार्मिक प्लेस पे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद मैं शायद व्लॉग ना कर पाऊँ तो वीडियोग्राफी कर लूँगा, तो अब उससे काम चला लेना, ठीक है ना। और कुर्ता देखो, मैंने नेट वाला कुर्ता पहना है, मस्त लग रहा है, भौकाली एकदम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे। डैडी ये लो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर, और समय हो रहा है 9:28 एंड मेरे साथ मेरे डैडी बैठे हैं। डैडी क्या क्या किया आपने? बस अभी हम भजन संध्या से आए हैं, और आज का भजन संध्या का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। लगभग 110 के आसपास सहजी थे, हम सब ने मिलकर भजन गाए, ध्यान किया, माँ की अमृतवाणी सुनी, और फिर बाद में हमने नाश्ता किया। सब लोग आपस में बहुत प्यार से मिले और एक दूसरे से हालचाल लिया, बहुत प्रेम भाव से हम लोगों ने ये समय व्यतीत किया। आज का अभी अभी घर लौटे हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में किसी एक शक्ति से अवश्य जुड़े रहना चाहिए, और वो है परमात्मा की शक्ति, तो उसी से जुड़कर हमारा उत्थान होता है। जय श्री माता जी। अरे यार वो दोनों माइक जो है, मुझे लग रहा हम बाहर सूज पहन रहे थे, तो जहां गेट के बगल में पानी वाला बना हुआ ना वर्मा जी का, शायद उस पर रखे रह गए यार, या तो वहां देख लो या फिर नीचे रह गए होंगे जहां सब लोग बैठे थे। हाँ सो गाइस, आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा मेरे लिए। हेक्टिक क्योंकि सुबह पहले तो एक्सरसाइज की, उसके बाद क्लासेस में मेरी हो रहा कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी नहीं चलेंगी, और वो भी नहीं चली। फिर इधर उधर के काम, छोटे मोटे काम रह गए, फिर शाम को इधर जाना था मेरे भोजन संध्या में, तो यहाँ भी गए। तो लेकिन एक बात है यार, देखो हेक्टिक रहा पर मज़ा आया, बोरियत नहीं हुई दिन में, एंड ऐसा होना भी चाहिए कि आपकी लाइफ में मज़ा होना चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा बोर होता है यार, फिर उसके दिमाग में नेगेटिव थाट्स आने लगते हैं। और सच बताओ, मेरा चैनल शुरू करने का मकसद ये था कि मेरे अंदर नेगेटिव थाट्स ना आए, डिप्रेशन ना आए मेरे अंदर। इस कारण मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया वो था लॉकडाउन के बीच में, और उस टाइम यूजुअली किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं था, एंड सेम कंडीशन मेरी भी थी, मेरे पास भी करने के लिए कुछ नहीं था, घर में बहुत ही ज़्यादा मैं बोर हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो कंडीशन वाली होगी मेरे पास, वो मिर्ज़ापुर में कहते नहीं डालो कि
शुरू तो मजबूरी में किया था पर अब मज़ा आ रहा है, तो वही वाली कंडीशन मेरे साथ हो गई। एंड अब तो एक आदत सी बन गई है कि वही रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ डेटा ट्रांसफ़र करो, रोज़ कॉपी करो, रोज़ वीडियो एडिट करो। लेकिन सीरियसली बताऊँ मज़ा आ रहा है और मैं अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ। बेसिकली मेरे स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, और स्किल्स कौन से, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो रहा हूँ, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी ऑडियंस एंड ऑल्सो आई कैन फेस द ऑडियंस। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, तो आई ऑल्सो ट्राई टू रेक्टिफाई दोज एरर विच आई मेड इन माई प्रीवियस ब्लॉग्स। सो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू इंक्रीज योर एबिलिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एंड और शुरुआत में हुआ ना, देखो पहला ब्लॉग जो मैंने देखा था उसमें कितना हिचक रहा था मैं, तो आज देखो और मैं हंस जाऊंगा, हंसने लगूंगा कि मैं कितना मतलब किस तरीके से बोल रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, समय के टाइम टाइम की चीज़ें होती हैं, समय के साथ साथ हर चीज़ें डेवलप होती हैं, हर चीज़ें आती हैं। तो भगवान ने कहा कि भगवान ने सोचा कि मेरे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तो दैट इज़ वाई मैंने आज ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कर नहीं रहे यार, बिल्कुल नहीं कर रहे आप लोग। करो थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब जगह जितनी जगह शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली हो जाए। और हाँ, इंस्टाग्राम भी रेगुलरली मेरा फॉलो हो रहा है, उसको भी रेगुलरली शो हो रहा है, उसको भी आप जाके फॉलो करो, सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स। और ये देखो आजकल मैं बियर्ड अपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ, देखो ये देखो कितनी बड़ी हो गई है, ये ऐसे नहीं दिख रही पर ये बहुत बड़ी बियर्ड हो गई है। एंड इस बार मूड बना रखा है कि बस समझ जाओ। खैर इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज। एंड गाइस एक बात और, कल का व्लॉग देखना मत भूलना, कल के व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। कल हम जाएंगे कुछ एक्सप्लोर करने, कुछ नई चीज़ देखने, नया सामान देखने। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ विवेक, गुड बाय।